मॉडर्न हिस्ट्री ई बुक सीरीज में 60 मिनट के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग ई बुक के सॉल्यूशन पे बढ़ रहे थे। तो ये S60 लर्निंग्स है मेरा चैनल, जहाँ पे हम लोग कंसाइज मटेरियल, PDF नोट्स के सॉल्यूशन और इन सब की लेटेस्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सॉल्यूशन को वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री सेशन, यूरोपियो का आगमन, क्लास 27, 27th क्लास है, यूरोपियो का आगमन। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा, जिसने भारत आने, जिसने भारत आने के मार्ग को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से, इसके रास्ते कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट जो कि वेस्ट बंगाल में है, कट बंदरगाह। तो एक क्वेश्चन आता है TCS में कि वास्को डी गामा किस ईयर भारत आया था, या फिर किस बंदरगाह पे सबसे पहले भारत में आया था। तो ये कालीकट बंदरगाह था, 1498 में आया था, और ये कहाँ पे, WB वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, तो देखो सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में पुर्तगाली गए हैं। देखो 1498 पुर्तगाली आए थे फर्स्ट टाइम, बाहर से यूरोपीय जो है पुर्तगाली, ये 1498 में आए थे और गए कब हैं, 1961 में, 1961 में, 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था ना, लेकिन 1961 में गोवा जो फ्रीडम, गोवा का फ्रीडम हुआ, और तब पुर्तगाली जो है भारत को छोड़ के गए। अंग्रेज तो काफ़ी टाइम पहले इनके छोड़ के चले गए थे, 1497 में ही ना। डचों की बात करें तो डच सेकंड यूरोपीय थे जो भारत में आए थे, डच 1595 में, ठीक है। और ये कालीकट बंदरगाह, देखो कालीकट का दो नाम है, एक तो केरल है, एक वेस्ट बंगाल है। तो देखो ये केरल था कालीकट बंदरगाह, अभी केरल में है। तो ये अगर भारत का मैप अगर रफली एज्यूम करो आप, तो केरल इस साइड है ना, तो इस साइड आया था, और ये नीचे के रास्ते समुद्री मार्ग से ऐसे आया था, केप ऑफ गुड होप को खोजते हुए। एशिया का एक ट्रॉपिकल पॉइंट है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि केप ऑफ गुड होप की के रास्ते कौन भारत आया था, या फिर केप ऑफ गुड होप है क्या। तो ये इंडिया आने का मार्ग है जो कि ओशियन से होके गुजरता है। अगला, अंग्रेज भारत में 1600 के समय आए थे, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना कारखाना खोला था, मसूलीपट्टनम। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और 1600 में भारत आए थे, 1600 में। फिर आए थे डेनिस, जिसे कहा जाता है, ये फोर्थ नंबर हो गया ना, थर्ड हो गए अंग्रेज, जो कि 1600 में आए थे, 1498, उसके फिर 97 साल बाद, 97 ईयर्स आफ्टर, कौन आया, डच आए, और डचों के 5 साल बाद अंग्रेज आ गए, ठीक है। और फिर अंग्रेजों के 20 साल बाद डेनिस आ गए, डेंस यानी डेनिस। और फिर फ्रांसीसी आए थे 1664 में, 1664 में फ्रांसीसियों का भारत में आगमन हुआ था। तो देखो फ्रांसीसी जो है सूरत में सबसे पहले, ये तो मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोले थे सब। तो यदि कारखाना खोलने की बात आए तो दो लोगों ने ही खोला था, एक तो अंग्रेजों ने खोला था और एक फ्रांसीसी ने, क्योंकि सूरत में अपना कारखाना खोले थे सब, सूरत, ये था फ्रांसीसी कारखाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 लोग थे जो कि 5 यूरोपीय थे जो भारत आए और भारत पर उन्होंने शासन किया, जिसमें अंग्रेजों का शासन का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, सबको अंग्रेजों ने भगा दिया और खुद शासन किया। तो देखो 1498 में 17 मई को, ये डेट याद कर लेना क्योंकि डेट आता है एग्ज़ाम में, मैं वो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जो एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। तो वास्को डी गामा 17 मई को
1498 में भारत आया था। देखो ये समुद्री मार्ग से आ रहा है ना, जहाजों के माध्यम से कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था जो कि केरल में है। ठीक है, इसे कोजी खोड़े कहते थे। देखो शिप के रास्ते आया था और अब्दुल मजीद जो था वो नेविगेटर था। अब्दुल मजीद, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय शिप का नेविगेटर कौन था, तो अब्दुल जो रास्ता बताया था मजीद, वो नेविगेटर का काम किया। तो बाहर से जब लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ नेविगेटर होते हैं ना, जो बताते हैं कि यहाँ आइए ऐसे करिए, तो अब्दुल मजीद था। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन, ठीक है, तो ये तो बता दिए हम। मैं वही चीजें बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। अब्दुल मजीद जो कि क्या था, नेविगेटर था, नाविक था, और जमैरिन जो थे उस समय केरल के शासक थे, जमैरिन जिन्होंने केरल बंदरगाह पे इसका स्वागत किया था। ये वह काली मिर्च लेकर, अच्छा एक साल के बाद ही वो क्या किया, काला मिर्च यहाँ से लेकर 1498 में और 99 में चला गया, और जब वहाँ जाके बेचता है, अपने देश जाके बेचा पुर्तगाल में, तो उसे 60 times मुनाफा हुआ। अगेन फिर वो लालच आया होगा उसे, तो फिर देखो 1502 में आया, फिर 1503 में कोचीन में अपना पहला कारखाना इन सबों ने खोल दिया। तो देखो पुर्तगालियों ने, क्वेश्चन आता है, पुर्तगालियों ने पहला कारखाना कहाँ खोला, तो 1503 में ये क्वेश्चन आता है, और कहाँ पे, कोचीन में। 1503 में कोचीन में अपना पहला कारखाना पुर्तगालियों ने खोला। अब चलते हैं फ्रांसीसियों पे। पुर्तगालियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1498 को 27 मई को, ठीक है, 17 था कि 27, 17 मई था, 17 मई को वास्को डी गामा आया, कालीकट बंदरगाह पे आया, जमैरिन ने स्वागत किया उसका। क्वेश्चंस आते हैं किसने स्वागत किया था, तो जमैरिन ने। फिर नेविगेटर कौन था, नाविक कौन था, तो अब्दुल मजीद था नाविक। और पहला कारखाना कहाँ खोले, तो कोचीन में, कोचीन में अपना पहला कारखाना खुला। किस ईयर, 1503 में, फ्रांसिस, अब फ्रांसीसी आ गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये फ्रांसीसियों का, वह पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। अच्छा अभी इसी में चल रहा है क्या, फ्रांसीसियों का ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। लेकिन पुर्तगाली तो आ गए थे सब ना शायद, देखो 98 के बाद पुर्तगाली 95 में आए, डच आए सब डच, ठीक है। तो ये तो फ्रांसीसियों के डिस्कशन हो रहा है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वो पुर्तगाली गवर्नर था पहला। क्वेश्चन आता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद अरबियों पर आक्रमण किया और उसने व्यापार, व्यापारों को जीता, तो इसका कोई मतलब नहीं, अरब सागर जीतने के लिए नीले पानी की, अच्छा, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे नीले पानी की नीति कहते हैं, ये किसका था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का क्या था, एक तो पहला गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, और दूसरा इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये सी अरब सागर को जीता था ना, तो देखो अरब सागर में जो भी जहाजे जाएंगे उन पे क्या टैक्सेस लगेंगे, कौन से सामान का कहाँ से आयात निर्यात होगा, कहाँ नहीं जाएगा, ये सारी चीजें उसने बनाई थी। किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अब आता है अल्बुकर्क, ये दूसरा गवर्नर है, पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, दूसरा है सेकंड गवर्नर, गवर्नर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राज्यपाल, ये हो गया दूसरा गवर्नर जिसने कोचिन को अपनी राजधानी बताई। 1503 में तो फ्रांसीसियों ने अपना, पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना खोला था कोचिन में, और ये क्या किया, अल्बुकर कोचिन को ही अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के शासक आदिल शाह पर आक्रमण किया और गोवा पर विजय प्राप्त किया।
तो गोवा को इन सब ने 1961 में जाकर फ्री किया है, गोवा फ्री हुआ है 1961 में, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे सब और सबसे बाद गए सब। बीजापुर के आदिल शाह थे जिस वो गोवा के शासक थे, उनको 1510 में इनने हराया और गोवा पर विजय प्राप्त की। 1529 में वास्को डिगामा वायसराय बन के भारत लौटा। तो देखो सबसे पहले वास्को डिगामा आया था ना 1498 1498 में, और उसके बाद वो वायसराय बन के भारत लौट गया 1529 में, ठीक है। 1529 में वायसराय बन के भारत लौट गया। अगला कौन है, नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा 1530 में उसने अपनी राजधानी कोची से गोवा स्थानांतरित की। कोची से गोवा स्थानांतरित किसने किया, नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा ने कोची से गोवा अपनी राजधानी स्थानांतरित की 1530 में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आया है टीसीएस में कि कोचीन से गोवा राजधानी पुर्तगालियों ने किस ईयर स्थानांतरित किया था, तो 1530 में, और किसने किया था, नीनो दा कुन्हा। अगला, पुर्तगाली भारत में जल्दी आए लेकिन सबसे लंबे समय तक रहे। देखो 1498 से 1961 इतने ईयर भारत में रहे हैं, और 1961 में गोवा और दमन दीव भारत का हिस्सा बना, ठीक है। यानी 1961 में ये दोनों फ्री हुए हैं, दमन और दीव और गोवा। पुर्तगालियों का योगदान, आलू तंबाकू लाल मिर्च जहाज निर्माण, चूंकि जहाज के रास्ते आए थे, यानी इंडिया में क्या था, जहाज नहीं था, नहीं तो पुर्तगाली पुर्तगाल से इंडिया आ गए, इंडिया भी तो इंडियन लोग भी तो इंडिया से पुर्तगाल जा सकते थे, लेकिन वैसे बड़े जहाज नहीं होंगे, तो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली जहाज बना चुके थे। चर्च का कैथोलिक मॉडल, इंडिया में जो चर्च का कैथोलिक मॉडल है ये पुर्तगालियों ने दिया। देखो चर्च तो अंग्रेजों के लिए होता है ना, लेकिन चर्च का जो कैथोलिक मॉडल है ये पुर्तगालियों का है। और क्या है, जहाज बनाना, और क्या, लाल मिर्च, ठीक है, तंबाकू और आलू, ये याद कर लो, तंबाकू आलू, आलू जो हम लोग वेजिटेबल में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बिना कोई सब्जी आलू के बनती नहीं है। जहाज निर्माण, ठीक है, ये सारी चीजें कैथोलिक चर्च, ये सारी चीजें कौन लाया, पुर्तगालियों ने लाया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, प्रिंटिंग प्रेस। देखो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो इंट्रोड्यूस किया ये भी पुर्तगालियों ने ही किया है। प्रिंटिंग प्रेस पहला गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया, 1556। तो कौन कौन से ईयर में क्या क्या काम हुआ, एक तो 1503 था जो कि इम्पोर्टेंट ईयर था, जिसमें क्या किए थे सब, कोचीन में अपना पहला कारखाना खोला था। कौन खोला था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कोचीन में अपना पहला कारखाना खोला था, ठीक है। उसके बाद 1509 में क्या हुआ, कोचीन को राजधानी बना दिया गया, ठीक है। कोचीन क्या हो गई, राजधानी हो गई पुर्तगालियों की। फिर 1510 में क्या हुआ बताओ कमेंट में, 1510 में क्या हुआ, गोवा पे विजय, गोवा जीत लिया इन सबों ने, किससे, नादिर शाह से। आदिल नाम था ना, आदिल शाह, आदिल शाह से गोवा जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, 1510, देखो ये पहला, फिर दूसरा घटना, तीसरी घटना 1510, फिर चौथा क्या हुआ 1529, इसमें क्या हुआ था, वास्को डी गामा गवर्नर बन गया, वायसराय, वास्को डी गामा क्या बन गया, वायसराय गवर्नर, ठीक है। 1503 में कोचीन को क्या किए, कोचीन में कारखाना खोले। 1509 में कोचीन को राजधानी बनाई गई। 1510 में एक साल बाद गोवा को जीत लिया गया,
और उस समय गोवा का शासक कौन था? नादिर शाह, आदिल शाह। आदिल शाह क्या था? गोवा का शासक। फिर 1529 में वास्को डिगामा क्या बना? गवर्नर बना, वायसराय। ठीक है, वायसराय रखो, वायसराय, गवर्नर भी बोल सकते हो, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। उसके बाद 1530 में क्या हुआ? एक साल बाद गोवा राजधानी बन गई। पहले कोचीन राजधानी थी ना, अब गोवा राजधानी हो गई 1530 में। ये पांचवी घटना है। उसके बाद 1556 में प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया गया, पहला प्रिंटिंग प्रेस। कहाँ खोला गया? गोवा में। फिर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली नियंत्रण से भारत मुक्त हो गया। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में 17 मई को, 17 मई, और गए कब हैं? 19 दिसंबर, यानी दो दिन दो ऐड कर दो तो 19 दिसंबर हो जाएगा, और महीने को भी बढ़ा देना, और ठीक है ईयर को भी बढ़ा देना 1961, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ये हिट एंड ट्रायल आपको हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, डिकोडिंग से, कि ईयर भी बढ़ रहा है, डेट भी बढ़ रहा है और मंथ भी बढ़ रहा है। 1987 में, 61 के बाद 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला है। गोवा को राज्य का दर्जा किस ईयर मिला है? तो 1987, ठीक है। कितने स्टेट्स थे और इनको किस ईयर राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। इसमें गोवा है, गोवा को, अभी गोवा की बात हो रही है ना, तो 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। कई तट है ना, कोंकण है, मालाबार है, सारा तट है ना, तो कोंकण तट जो कि गोवा का तट है। अब आ रहे हैं डच, ठीक है, डच, डचों का भारत में आक्रमण। डच कहाँ से आए थे? नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे। और 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत में आने वाला पहला डच था। कार्नेलिस डी हाउटमैन जो था वो भारत में आने वाला पहला डच था 1596। 1602 में डच ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो देखो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1602 में डचों ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया और उसकी स्थापना की 1602 में। वो सब 1503 में किए थे सर, वो कारखाना बनाए थे सब सूरत में, कोचीन में, और ये 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम में बनाया सब। देखो पहला फैक्ट्री डचों ने अपना मसूलीपट्टनम में खोला, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1605 में, ठीक है। 1505 में भी देखो ये लोग क्या किए थे, 1503 में खोले थे ना ये, 1605 में खोल दिए। फिर सोने के सिक्कों की शुरुआत की गई भारत में, पैगोडा सिक्का कहते हैं, सोने के सिक्कों की शुरुआत हुई भारत में, जिसका नाम पैगोडा सिक्का है। भारत में डचों के दो उद्योग कौन कौन से? एक तो सूती वस्त्र उद्योग था कॉटन का, और दूसरा इंडिगो उद्योग। दो उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा और इंडिगो उद्योग। तो ऐसे याद करने के लिए रख लो कि एयरलाइन है ना इंडिगो एयरलाइन टाटा की, तो ऐसे याद कर लो कि इंडिगो उद्योग हो गया और सूती वस्त्र उद्योग, हालांकि आता नहीं है बट ठीक है याद कर लो, हो सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जिक्र कर दिया जाए। तो अभी तक ब्रिटिश नहीं आए हैं, तो डचों ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया सूती वस्त्र उद्योग। बेदरा का युद्ध हुआ था ना अंग्रेज और डचों के बीच, 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध, अंग्रेज वर्सेस डच, जिसमें इंग्लिश जीते थे, ठीक है। इन सबों को क्या मिला था? जीत मिला था बेदरा का युद्ध 1759 में। और 1764 में क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये भी एक लड़ाई याद कर लो, यहीं पे बता दे रहा हूँ, बक्सर की लड़ाई। और 1559 में क्या हुआ था? बेदरा का युद्ध, ठीक है, बेदरा वॉर 1759। अंग्रेजों ने अपना व्यापार, अब तो जीत गए सब डचों से, ठीक है, तो डच वापस कहाँ लौट गए? हॉलैंड नीदरलैंड से आए थे सब ना, तो नीदरलैंड वापस लौट गए सब। अब आ गए सब तीसरे नंबर पे अंग्रेज,
अंग्रेजों का भारत में आक्रमण आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों की थी, और उस समय कौन था? अकबर था। मुगलों का सम्राट कौन था? अकबर। और भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल। मिल्डेन हॉल अंग्रेजों का आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो भारत में आया था, जॉन मिल्डेन हॉल। ये ना वायसराय कह सकते हो, कोई नहीं कह सकते हो, सिर्फ ये कहोगे कि अगर कोई पहला इंग्लिश व्यक्ति था जो भारत आया था तो होगा जॉन मिल्डेन हॉल। अकबर के टाइम पे आए थे सर, उस समय अकबर का राज्य चल रहा था, ठीक है। अकबर का दरबार रॉल्फ फिंच जो है वो अकबर के दरबार में आए थे। मर्चेंट एडवेंचर्स समूह का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। तो जो अकबर के दरबार में आगे बन के एम्बेसडर बन के, कोई तो आगे बन बढ़ के बोलेगा कि हम अंग्रेज हैं, ठीक है, हम ये आपके यहाँ आएंगे, ये बिजनेस करेंगे, आपको ये रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, आपके यहाँ कारखाने लगाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, आपके आम पब्लिक को क्या मिलेगी? सहूलियत मिलेगी। जैसे अभी कोई कंपनी आती है तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेती है ना कि हम आपके यहाँ आएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे। जैसे अभी फॉक्सॉन की डील हुई थी जो कि कैंसिल हो गई है, तो जो कि कहाँ का था डील, फॉक्सॉन वाली डील आई थिंक कोरिया की थी ना, नॉर्थ कोरिया की। तो ये अकबर के दरबार में जिसने क्या किया था, अब सबसे पहले इंग्लिशों को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो कौन था जिसे दूत कह सकते हो तुम? रॉल्फ फिंच था, ये याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है, रॉल्फ फिंच। और पहला कौन था? जॉन मिल्डेन, ये पहला इंग्लिश था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। और उनके जो समूह था, ग्रुप था, उसका नाम कोई होगा ना, तो मर्चेंट एडवेंचर्स। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि हम घूमते घूमते आ गए, स्ट्रेंजर हैं, अपने ग्रुप का कोई नाम दोगे ना, तो मर्चेंट एडवेंचर्स था इनके ग्रुप का नाम, ठीक है। क्राउन उस समय कौन थी? एलिजाबेथ आई, ठीक है, वो उस समय ब्रिटेन की क्राउन थी। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर में 1661 में हुई। तो देखो वो सब भी दिसंबर में ही गए थे सब पुर्तगाली, और 31 दिसंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 के टाइम पे, ठीक है। 1608 में क्या हुआ? विलियम हॉकिंस ईआईसी का प्रतिनिधि जहांगीर के दरबार में समुद्री मार्ग से आया। 1608 में कैंप विलियम हॉकिंस का ईआईसी का प्रतिनिधि जहांगीर के दरबार में आया। तो विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया, बस यही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया, तो ये आया जहांगीर के दरबार में। अकबर के बाद जहांगीर आता है। जहाज का नाम क्या था? अब याद आ रहा होगा सबको जिसने टीसीएस का मेरा एमसीक्यू सेशन देखा है, हेक्टर। हेक्टर था इनके जहाज का नाम, ठीक है। और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, समुद्री मार्ग से आया था। और क्या नाम था? हॉकिंस था। हॉकिंस का प्रेशर कुकर आता है ना, तो याद रख लो, मसूलीपट्टनम में 1611 में इन सबों ने अपना पहला अस्थाई टेम्प्रोरी कारखाना खोला, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, जब हमारा अभी फिलहाल के लिए टेम्प्रोरी चीजें, हर चीजें टेम्प्रोरी चला रहे हैं सब। 1611 में मसूलीपट्टनम इन सबों ने पहला अस्थाई कारखाना खोला। फिर 1613 में सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया। उसके बाद 1615 में सर जेम्स रो जहांगीर के दरबार में आया। तो रो है ना, रो, एक रो से ये भी याद कर लो ना, रो दुनिया की सबसे छोटी नदी का नाम है, तो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट नदी कहा जाए उसका नाम बताओ, तो रो नदी हो गया। और नील नदी सबसे लंबी नदी है ना, तो ये ज्योग्राफी का भी चीज़ें याद रखते चलो, रो दुनिया की सबसे छोटी नदी है। जेम्स रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया 1615 में। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास की खोज की और फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। आता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था।
और फ्रांसिस डे ने 1639 में कराया था। फिर 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स ने कैथरीन ब्रिगेंजा को पुर्तगाली से शादी, अच्छा पुर्तगाली अभी थे सब, तो पुर्तगालियों के साथ ब्रिटिश राजकुमार की शादी हुई थी, पुर्तगालियों की लड़की थी कैथरीन ब्रिगेंजा और ब्रिटिश कुमार चार्ल्स थे, ठीक है, चार्ल्स की शादी हुई थी कैथरीन से। चार्ल्स क्या थे, इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, और कैथरीन क्या थी, पुर्तगाली थी, और इनको दहेज में क्या मिला था, बॉम्बे मिला था दहेज में। तो देखो बॉम्बे को दहेज पे भी चढ़ाया जा चुका है। 1668 में चार्ल्स ने बॉम्बे को 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था कि लीजिए 1668 में कि 10 पाउंड आप दीजिएगा हर ईयर हमको, और बॉम्बे में आप जो भी काम आपको करना है आप वो काम कर सकते हो। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान ने 3 गांव दिए थे अंग्रेजों को। तो पहले तो ये सब क्या किए हैं, सब विकास के नाम पे काम, विकास करेंगे, ये करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आपके यहाँ कारखाने लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। तो बंगाल के सूबेदार कौन थे, अजीमुस्सान, इसने 3 गांव दिए थे, सुतंती, कलिकाता और गोविंदपुर, याद कर लो। वैसे अभी तक टीसीएस में इससे क्वेश्चन आए नहीं है, अब नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट। कालांतर में जॉब चारनोक द्वारा इन्हें मिलकर कोलकाता का गठन किया था। तो कोलकाता जो है, जो कि पहले भारत की राजधानी थी, पहली राजधानी कौन थी, कोलकाता, फिर न्यू दिल्ली बनी थी। और किस ईयर बनी थी, कोलकाता से न्यू दिल्ली राजधानी कब आई थी, तो 1911 में, अभी लेटेस्ट में 1911 का टाइम है जब कोलकाता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। पहले राजधानी क्या थी, कोलकाता। तो जॉब चारनोक ने कोलकाता का गठन किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोलकाता का स्थापना, कोलकाता शहर किसने बनाया था, जॉब चारनोक, ये आता है, ठीक है, ये याद कर लेना, जॉब चारनोक ने कोलकाता का गठन किया था। फिर 1717 में अंग्रेजों को मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने स्वर्णिम अध्यादेश मिला, फर्रुखसियार से स्वर्णिम अध्यादेश अंग्रेजों को मिला, मुगल बादशाह फर्रुखसियार, 1717 की बात है ये। उन्हें बंगाल में कर मुक्त व्यापार परमिट दे दिया, कहा फ्री टैक्स फ्री क्या करिए, बिजनेस करिए। अभी तो भारत में जो भी कंपनियां आती हैं तो उन पर कुछ टैक्स सरकार लगाती है, उस समय क्या कहा है, फर्रुखसियार ने कहा कि हम आपको टैक्स फ्री परमिट देते हैं, आप बंगाल में आइए और जो भी व्यापार करना है आप करिए, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अंग्रेजों के बाद डेन भारत में आए, डेन यानी डेनिश जो है वो भारत में आए थे अंग्रेजों के पास। बाद पुर्तगालियों के बाद कौन आया, डच, फ्रांसीसियों के बाद कौन आया, नहीं पुर्तगालियों के बाद शायद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद डेनिश आए, उसके बाद फोर्ट विलियम्स मेमोरियल ये कॉलेज है, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, क्वेश्चन आता है कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज ये कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इंडिया गेट न्यू दिल्ली, एडविन लुटियन ने इंडिया गेट का निर्माण किया, एडविन लुटियन, इसने इंडिया गेट को क्या किया, बनाया, डिजाइन किया और निर्माण किया इसका, एडविन लुटियन। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो देखो दो चीजें हैं, इंडिया गेट जो कि न्यू दिल्ली में है, क्योंकि वो इंडिया क्या है, इंडिया का कैपिटल है, इंडिया का क्या है, गेट है, कैपिटल है, तो न्यू दिल्ली याद कर लो, और गेटवे ऑफ इंडिया उल्टा हो गया ना, तो उल्टी चीजें हो गई, तो फिर आप इसे भी याद कर लो कि ये हो गया मुंबई। राष्ट्रपति भवन और संसद दिल्ली, अभी दिल्ली में ही ना राष्ट्रपति भवन और संसद है, ये सारी चीजें अंग्रेजों के टाइम पे ही हुई है, अंग्रेजों ने ही बनाया था, तभी तो मोदी जी अभी चेंज कर रहे हैं हर चीज को, नए सिरे से बना रहे हैं। अंग्रेजों के महत्वपूर्ण युद्ध, सवाली का युद्ध जो कि पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, कब हुआ था, 1612 में,
1612 में सवाली का युद्ध इंग्लिश वर्सेस पुर्तगालियों के बीच हुआ था, और जीता कौन होगा? ऑफ कोर्स इंग्लिश जीते होंगे, अंग्रेजी तो जीतते थे हमेशा, तभी तो वो आगे तक रह गए। उसका बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, ठीक है, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था इंग्लिश वर्सेस डचों के बीच, जिसमें कौन जीता? इंग्लिश जीता। हुगली का, हुगली क्या है? हुगली एक नदी है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ती है। हुगली क्या है? ये नदी है, और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, बंगाल की ही, वेस्ट बंगाल की ये नदी है। तो इसी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच, इंग्लिश वर्सेस डच, और जिसमें इंग्लिशों का क्या हुआ? जीत हुई। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था इंग्लिश और फ्रांसीसियों के बीच। डचों के बाद कौन आया? फ्रांसीसी आए थे सब। डच के बाद कौन? अंग्रेजों के, मैंने जो डच के बाद तो अंग्रेज आए थे, ऐसे बस याद कर लो कि 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, और किसके साथ हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ। बेदरा का युद्ध एक साल पहले हुआ था डचों के साथ, और 1612 में सवाली का युद्ध हुआ था। लगातार युद्ध कर रहे हैं सब, फिर भी इन सबों की हार नहीं हुई। डेनमार्क के लोग, डेन कौन थे? डेनिश, डेन थे ना, डेनमार्क के लोग थे ये लोग, डेनिश थे, डेन यानी डेनिश, जो कि डेनमार्क से आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 में। फिर 1620 में पहली फैक्ट्री ट्रेंकोबार केरल में खोली गई। उसका दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली गई? सोरामपुर वेस्ट बंगाल। तो ऐसे याद कर लो कि जो भी बाहर से आ रहे थे, तो आजकल भी कंपनियां क्या करती हैं? कॉपी करती हैं एक दूसरे की। तो पहले भी क्या कर रही थी कंपनियां? एक दूसरे की कॉपी कर रही थी, और नाम कॉपीड नाम रखा जा रहा था। देखो सबने ईस्ट इंडिया कंपनी ही रखा है, डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, पुर्तगालियों ने भी ईस्ट इंडिया ही कंपनी के नाम से खोला था। अब आप बढ़ते हैं आगे कि डचों ने क्या लेकर आया? डेनिश ने, डेनिश से चाय का व्यापार आया, और चीन के साथ व्यापार होना शुरू हो गया। दो काम हुए, चीन का साथ ट्रेडिंग व्यापार और चाय का व्यापार, ठीक है। बाद में उन्होंने अपना व्यापार अंग्रेजों को बेच दिया और भारत लौट गए। अब जब इन सबों से यहाँ पर टिके नहीं सब अंग्रेजों के आगे, तो इंग्लिश को क्या किया होगा उन लोगों ने? अपने व्यापार को, अपनी कंपनी को बेच दिया होगा। जैसे कोई कंपनी इंडिया आई और इंडिया में अच्छा मुनाफा नहीं पा पा रही है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बड़े कंपनी वाले अडानी हैं, अंबानी हैं, ठीक है, बिरला हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े अभी हैं, तो नहीं टिक पाई तो क्या करेगी? अपने कंपनी के शेयर्स क्या करेगी? बेच देगी बिरला को, टाटा को, अंबानी को, ले लीजिए आप ही लोग चलाइए, और लौट जाएगी अपने देश। वही काम क्या किया डच, डेनिस ने किया। अब फ्रेंच आ गए। फ्रेंच 1664 में कोलबर्ट, फ्रांस, फ्रेंच जो है फ्रांसीसी जिसे कहते हैं, ये कोलबर्ट जो था वो पहला फ्रांसीसी था जो फ्रांस के राजा लुई 15 के मंत्री थे, 14, लुई 14, ठीक है, लुई 14 के मंत्री थे कोलबर्ट, जो कि भारत में पहले फ्रांसीसी थे जो भारत आए थे, लुई 14 के मंत्री थे। तो फ्रांस में लुई नाम से राजा हुआ करते, लुई 14, फिर लुई 15 भी आए। तो सबसे पहले 1664 में कोलबर्ट फ्रांसीसी था जो लुई 14 के मंत्री थे और भारत में एम्बेसडर थे, उन बन के आए, ठीक है। उसके बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपना पहला कारखाना खोला, सूरत में, फ्रांसीसी कह सकते हैं फ्रेंच को ना, और सूरत में इन्होंने, फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना खोला, कारखाना। अगेन 1669 में दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला गया। तो 1669 में दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों के द्वारा खोला गया। फिर 1672 आ गया, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोधी पर हमला किया, उन्हें पांडुचेरी गांव मिला। तो फ्रांसीसी अब पहले तो क्या करते थे, व्यापारी बन के आते थे, जो भी भारत से, भारत में यूरोपीय आए, पहले कहते थे कि हम व्यापार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे,
बिजनेस करेंगे, लेकिन बाद में यहीं के राजाओं के बीच लड़ाई करके और जीत जीत के धीरे धीरे पूरे देश पे राज करना शुरू कर दिए। फिर 1674 में पांडिचेरी को अपना राजधानी बनाया। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपनी राजधानी 1674 में बनाया। अब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल का मतलब होता है इंग्लिश, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध आएगा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध आएगा, तो इंग्लिश वर्सेज फ्रांसीसियों के बीच आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, जिसे पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में हुआ था। कर्नाटक के टोटल 3 बैटल हुए हैं, 3 बैटल्स, जिसमें पहला बैटल का फर्स्ट बैटल था जो कि 1746 से 1748 का था, दूसरा 49 से 54 हो गया, 5 साल का, ठीक है। तो पहले बैटल में क्या हुआ, अवधि तो बता ही दी है, 1746 से 1748, और ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई, संधि एक्सला चैम्पल, एक्सला चैम्पल संधि थी। फिर परिणाम क्या हुआ, फ्रेंच जीता, फ्रांसीसी क्या हुए, जीत गए। उसके बाद पहला तो जीत गया सब फ्रांसीसी, दूसरा क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हो रहा है इंग्लिश वर्स आंग्ल, आंग्ल का मतलब होता है इंग्लिश, इंग्लिश वर्सेज फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसिस। तो पहला तो फ्रांसिस जीत गया, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 के बीच, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक के शासकों के बीच कुछ मतभेद हुए थे। संधि क्या हुई, पांडिचेरी की संधि हुई। तीसरे कर्नाटक युद्ध जब हुआ है 1758 से 63 में, इसमें अंग्रेजों की क्या हुई है, जीत हुई है, जिसे वांडीवास की लड़ाई बीच में आ गई ना 1758, फिर 1760 और 1763 चला है पूरा युद्ध इसके उसके बीच में। 58 से 63 5 साल का युद्ध था, 5 ईयर 5 साल का युद्ध था, और कौन जीता, फाइनली अंग्रेज जीत गए, और ये जीते क्यों थे, वांडीवास का लड़ाई जो कि 1760 में हुआ था, वांडीवास बैटल युद्ध। अब आते हैं इसके में क्या हुआ था, पेरिस की संधि हुई थी, पेरिस की संधि कहा जाता है, इसमें पेरिस की संधि हुई, और फिर फ्रांसीसियों क्या हुआ, वर्चस्व समाप्त हो गया, अब फ्रांसीसियों का भी काम तमाम हो गया इंडिया से, अंग्रेज फ्रांसीसियों को भी हटा दिए। अब आ गया क्लास 28, अभी तक 27 क्लास चला दिए हम, अब 28वें क्लास पे चलते हैं। क्लास पे चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे तुम लोग ऐड कर लो, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कि हर क्लास में करता हूँ। पुर्तगाली कब आए थे भारत, पुर्तगाली वास्को डिगामा था ना, वास्को डिगामा जो कि 1498 में भारत में कालीकट बंदरगाह पे आया था समुद्री मार्ग के रास्ते। फिर डच आए थे सब, फ्रांसिस पुर्तगालियों के बाद कौन है, डच, कौन था, हाउटमैन, शॉर्ट में याद करो हाउटमैन, ये आया 1595 में, 1595। फिर कौन आया, डचों के बाद अंग्रेज आएंगे ना तीसरे नंबर पे, इंग्लिश आए, इंग्लिश यानी अंग्रेज, और 1600 में ये भारत आए थे, कौन था, मिंडेल हॉल था ना, मिल्डेन हॉल, जो कि अंग्रेजों का पहला था जो भारत आया था। उसके बाद डेनिस आए थे सब, जो कि डेनमार्क से आए थे सब, डेनिस, ये डच कहाँ से आए, नीदरलैंड से आए थे सब, तो डेनिस आए थे सब 1620 में। उसके बाद कौन आया, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी में कौन था, कोलबर्ट, कोलबर्ट कब आया, 1664,
ठीक है, कहाँ कहाँ है? वास्को डी गामा तो आया था कालीकट बंदरगाह पे, डच कहाँ आए थे सब? कोचीन। तो ऐसे ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में ऐड कर लेना, ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का इंडिया पे वर्चस्व स्थापित हो गया। तो ये टोटल 1.5 घंटे की लड़ाई थी, बहुत छोटी लड़ाई थी। 23 जून 1757, टोटल 1.5 घंटे की लड़ाई थी, 1.5 आवर्स की लड़ाई। और इसमें मीर जाफर मीर बख्शी ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को क्या मिला? धोखा मिला। और धोखे से क्या हुई? इनकी हार हो गई। और माणिक चंद कौन थे? कोलकाता के प्रभारी अधिकारी थे। तो माणिक चंद नाम से ही लग रहा है कोई बनिया उनिया टाइप्स, जो कि अधिकारी था कोलकाता का। सिराजुद्दौला के लिए मोहनलाल और मीर मदान ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तो मीर मदान जो कि मुस्लिम थे और मोहनलाल नाम से ही लग रहा है हिंदू, तीन दोनों लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम ने, देखिए सिराजुद्दौला जो कि मुस्लिम है उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। तो पहले हिंदू मुस्लिम में डिस्प्यूट नहीं होता था कि हिंदू है ये मुस्लिम है, ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स जब करना होता है सरकार को तो ऐसे करती है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। देखिए उस समय दोनों मिल के एक साथ और अपने राजा के लिए सिराजुद्दौला के लिए लड़ाई लड़े, जो कि 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध था 1.5 घंटे का। मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और अंग्रेजों के साथ गठबंधन कर लिया। धोखा क्यों मिलता? अंग्रेजों ने इसे लालच दिया होगा, हम आपको बंगाल का जो है क्या बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, आप धोखा दे दीजिए, बताइए। इसने धोखा दे दिया। इस लड़ाई ने सत्ता को मुसलमान और अंग्रेजों के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। अब इस लड़ाई के बाद क्या हुआ? सत्ता जो है मुसलमान और अंग्रेजों के हाथ में चलेगी। मुसलमान के हाथ में क्यों जा रही है भाई? क्योंकि मुगल बादशाह अभी हैं, मुगल बादशाह दिल्ली में किसका राजशाह? मुगल बादशाहों का राजशाह ना, तो दिल्ली अभी दूर थी इन सबों के लिए, अभी ये वेस्ट बंगाल में ही थे लोग। मीर जाफर 1757 में बंगाल का नवाब बना। तो कहाँ का नवाब बना है? बंगाल का। मीर जाफर जो कि बंगाल, सारी चीज़ें लगभग ज़्यादा चीज़ें बंगाल से ही हुई हैं। बैरकपुर से पहला विद्रोह हुआ था 1857 की, जो क्रांति हुई थी जब अंग्रेजों से लोग तंग आ गए, तो 1857 एक साल था जिसमें क्रांति हुई। और इस क्रांति में पहला क्रांति बैरकपुर से ही हुआ था, वेस्ट बंगाल। तो देखो मीर जाफर ने, अंग्रेजों ने खूब फायदा उठाया मीर जाफर से। देखो धोखे का नतीजा क्या मिलता है? धोखा ही मिलता है। उसने धोखा दिया तो अंग्लिशों ने क्या किया? इसे खूब लाभ लिया। और बाद में इसका भी क्या करेंगे? सब गला काट देंगे, सब कत्ल कर देंगे सब इसका। उसके बाद कौन आया? मीर कासिम। ऐसे मीर जाफर था और मीर कासिम, यही दो मिलके ना धोखा दिए थे, मीर जाफर और मीर कासिम। इसको बंगाल का नवाब बना दिया था, लो अब तुम बंगाल के नवाब बनो। उसके बाद अंग्रेजों के खतरे को समझा मीर कासिम, समझ गया कि भाई अंग्रेजों के साथ दोस्ती खतरे वाली है। तो भारत के नवाब शाह आलमगीर द्वितीय, उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था नवाब, जिसे मैं अभी बता रहा था कि अभी भी मुगल हैं, मुगलों का दिल्ली पे परचम हमेशा से रहा है, और कौन थे? आलमगीर द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ गठबंधन करने की कोशिश की। अवध के नवाब जो कि हार गए थे, प्लासी का युद्ध हुआ था ना सिराजुद्दौला के बीच, तो उसमें क्या हुआ था? प्लासी का 1.5 घंटे की लड़ाई थी, देखो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इन लोगों ने क्या किया, सिराजुद्दौला, ठीक है, तो ये आलमगीर और सिराजुद्दौला ने बोला कि हम दोनों मिल जाते हैं और मिलके फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब मिलके प्लानिंग की है सब। तो इसमें मीर कासिम आ गया, ठीक है, शाह आलम द्वितीय आ गया जो कि दिल्ली का मुगल सम्राट था,
मुगल था ना, मुगल सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला, ये तीनों मिलके अंग्रेजों के तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। इंग्लिश के तरफ से हेक्टर मुनरो था, जो कि क्या था, लड़ाई लड़ने वाला सेनापति कह सकते हो, ठीक है, वो था। और ये मिलके लड़ाई लड़े, तीन मिलके और हेक्टर मुनरो के साथ लड़ाई लड़े। उसके बाद क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। दोबारा गवर्नर नियुक्त किया गया है रॉबर्ट क्लाइव को। हेक्टर मुनरो लग रहा है हार गया या फिर जीत गया, तो मेरे को लग रहा है हेक्टर मुनरो जीता था, ठीक है, हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं माने, अगेन फिर लड़ाई लड़े, जिसमें फिर इन्हों हार मिली और इलाहाबाद की संधि हो गई। संधि हो गई जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, इंग्लिश के तरफ से था, और शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला, इनके बीच संधि हो गया। और संधि के बाद क्या, संधि का नतीजा निकला होगा, इलाहाबाद की संधि अगर हुई है तो इलाहाबाद कुछ तो नतीजा निकला होगा। नतीजा ये निकला कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा को कर लेने का अधिकार मिल गया। अंग्रेज, अब अंग्रेज क्या करेंगे, बंगाल से भी कर लेंगे, बिहार से भी कर लेंगे और उड़ीसा से भी कर लेंगे। ये तीनों हमको लग रहा है कि उस समय ट्रेडिंग के, देखो बिहार तो खेती के लिए बहुत मशहूर था, नील की खेती के लिए बहुत फेमस था। नील आंदोलन महात्मा गांधी ने लड़ा था ना, नील की खेती, तीन कटिया पद्धति, और उड़ीसा, उड़ीसा, ये सारी चीजें। अब अंग्रेजों ने बोला कि अब तुम लोग खेती करोगे चाहे कुछ भी करोगे, हमको टैक्स देना पड़ेगा। और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, ये देखो पहली इन सबों की फैक्ट्री थी, ऑथेंटिक फैक्ट्री, जो कि सूरत में 1613 में स्थापित की, 1613 में आए थे सब, कब, 1616, 1600 में आए थे सब, 1600 में आए थे सब ना, जून में। और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी है सब। फिर बंगाल पे विजय इन लोगों को मिला ही था, बंगाल का गवर्नर था और मीर कासिम, उसको हरा के बंगाल पर विजय मिला ही था इन सबों को। तो आए थे सब 31 दिसंबर 1600 में, और बंगाल पे भी इन सबों को जीत मिल गई। बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इन लोगों ने कर लागू कर दिया, इन सबों को मुनाफा भी होने लगेगा। तो ये सारी चीजें इन लोगों की स्ट्रेटजी थी। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल में द्वैत शासन लागू करने वाला व्यक्ति था, क्वेश्चन आता है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था, ये रॉबर्ट क्लाइव था जो बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। फिर कंपनी ने दीवानी और निजामत दोनों अधिकारों का अधिकरण किया, दीवानी भी और निजामत भी, दोनों प्रकार के अधिकार मिलेंगे, यानी गवर्न भी हम ही करेंगे और टैक्स भी हम ही लेंगे। अभी तो क्या करती है सरकार, गवर्न करती है और मिनिमम टैक्स रखती है, आप लोग स्वतंत्र होते हो अपने कामों के लिए, लेकिन उस समय काफी स्ट्रिक्टली टैक्स लिया जाता था और टैक्स ना लेने पर प्रताड़नाएं भी दी जाती थी। फिर भारत को खूब लूटा गया, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो पहले यूरोपियों का आगमन हो रहा है, यूरोपियों के साथ साथ मुगल बादशाह पहले ही से, काफी टाइम पहले से आक्रमण होते आए और भारत को बाहरी आक्रांताओं द्वारा लूटा गया है। बंगाल के लोग दो कर देते थे, देखो दो प्रकार के टैक्स थे, टैक्स का दो टाइप था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, अब तो होगा ही क्योंकि जीत गए थे सब। कोई जब नई नई जीत होती है तो नई नई चीजें क्या होती हैं, सिर पे चढ़ के बोलने लगती हैं, तो इन सबों का भ्रष्टाचार क्या था, एकदम सिर पे था। कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थानीय शासक राय दुर्लभ से ब्रिटिश संसद से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा। कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थानीय शासक राय दुर्लभ से ब्रिटिश संसद में से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांगा। इस कर की यूरोप में कड़ी आलोचना हुई, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया गवर्नर भेजा। भाई तुम किसी दूसरे आदमी से पैसा लोगे लोन के बेस पे, क्या आप लोन दे दीजिए,
कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसा थोड़े था कि भारत में और लोग जो थे वो मजबूत नहीं थे। बहुत लोग आज भी देखिए, हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है, लेकिन अभी भी अंबानी अडानी ये बड़े बड़े जो हैं ये सब बहुत ज़्यादा पैसा रखे हैं, तो ये लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, इन लोगों पे तो सरकार का भी बस नहीं चलता है। वैसे ही ब्रिटिशों का अभी भी उतना वर्चस्व नहीं था, कई राजा ऐसे थे जिनसे इन लोगों को अपने कंपनी के लिए लोन लेना पड़ गया, 1 मिलियन पाउंड का लोन, 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन में होता है, 10 लाख पाउंड का टैक्स ऋण लेना पड़ा। इसकी आलोचना भी हुई अपने उनके ब्रिटिशों की। फिर वॉरेन हेस्टिंग आया जिसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में आया और द्वैत शासन को खत्म कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द्वैत शासन किसने समाप्त किया, तो लागू किसने किया था और समाप्त किसने किया, लागू किया था क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लागू किया था, 1765 में, 1765 में लॉर्ड क्लाइव ये द्वैत शासन इंट्रोड्यूस किया था, और खत्म किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग ने। कर वसूली के लिए जिला कलेक्टर पद बनाया, अभी उसी समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट डिजाइन हो गई थी, जो अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट चलती है उसी टाइम की है। संविधान का निर्माण की शुरुआत की, भारत के लिए संविधान जो कि अभी सबसे बड़ा संविधान है हम लोग के भारत का, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में बना है, वो सबसे एक छोटा सा संविधान वॉरेन हेस्टिंग ने भी भारत के लिए बनाया। एकमात्र गवर्नर जनरल है जिन पर ब्रिटिश संसद एडमंड बर्क के सदस्य द्वारा महाभियोग चलाया गया, इम्पीचमेंट। महाभियोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। अभी अगर इम्पीचमेंट लगाई जाती है प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, महाभियोग ये आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 61। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अब आओ भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत में संविधान आ गया, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में भारत में संविधान ला दिया, तब संविधान का कुछ तो होगा विकास, तो वो कंपनी शासन 1773 से 1857 और क्राउन शासन 1858 से 1947। तो जब ये 1857 की लड़ाई हुई, जो बैरकपुर में विद्रोह छिड़ गया, मंगल पांडे और लोगों ने मिलकर विद्रोह किया, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि अब तो ये अंग्रेजों के बस का नहीं है। ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन में जो बैठी सरकार थी, उन सबों को लगा कि जो मैंने कंपनी भेजी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, इसके बस का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो युद्ध विद्रोह छिड़ गया है, तो सारा चीज अपने 1858 में अपने पर डाल दी कि अब हम गवर्न करेंगे। जैसे अभी मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है ना, लड़ाई चल रहा है ना, और पहले से भी, तो जब किसी स्टेट में कोई विद्रोह छिड़ जाता है, कोई क्रांति छिड़ जाती है, तो फिर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इमरजेंसी लगा दी जाती है कब राष्ट्रपति शासन चलेगा। वैसे ही 1857 की जब विद्रोह छिड़ी थी, तो उसके बाद क्या हुआ, 1858 में क्राउन शासन लगा दिया गया, कब कंपनी शासन रोको, क्राउन शासन चलाओ, कंपनी के बस का नहीं है चलाना, ठीक है। आओ नियामक के बारे में, 72 के बाद 73 में नियामक अधिनियम, नियामक अधिनियम इंट्रोड्यूस किया गया था 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में रखा गया, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद का नियंत्रण मिले, नियंत्रण में रखा जाएगा, उसकी लगाम कसी जाएगी, नहीं तो कंपनी तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा क्रॉस कर रही है।
तब इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाएगा ना, यहीं पर लोगों से मांग रही है पैसा, पैसा मांग के कंपनी में लगा रही है, तो बदनामी होगा ना, तो इसके लिए नियंत्रण लगा दिया गया। 20 वर्षों के लिए व्यापार एक अधिकार मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया गया अब तुम 20 साल तक अकेले व्यापार करोगे इंडिया में, कोई बाहर से और व्यापारी इंडिया में एंट्री नहीं लेगा, कोई नई कंपनी नहीं बना के ब्रिटेन से इंडिया में भेजी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक कंपनी रहेगी जो इंडिया में गवर्न करेगी। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल भी शामिल थे, ठीक है। इस नियामक अधिनियम में, अधिनियम को क्या बोलते हैं, रूल, रेगुलेशन, तो इसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर भी शामिल थे। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सेवकों के वेतन में वृद्धि की गई कि भाई वेतन बढ़ाओ इन लोगों का, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, यहीं पे लोगों का, लोगों से, लोगों को प्रताड़ित करेंगे, पैसे उतना नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी चमारी होती है ना, कहते हैं लोग ना कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो चोरी चमारी होगी, इसीलिए नौकरी दो, नौकरी दो, नहीं तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये भ्रष्टाचार का कारण है कि जब तक लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, अपने निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं पैसे रहेंगे, तो लोग दूसरा रास्ता खोजेंगे। दूसरा क्या रास्ता है, शॉर्टकट, भ्रष्टाचार वाला, चोरी करना, ठीक है। तो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, इंपॉर्टेंट लगा लो, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हुआ, सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित हुआ, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापित किया गया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। अब ब्रिटेन के लोग ने यहाँ पे गवर्न कर रहे थे, तो एलिजा इम्पे जो थी वो पहली न्यायाधीश थी, तो फर्स्ट न्यायाधीश जो थे उनका नाम क्या था, पहले जज, एलिजा इम्पे, ठीक है। और कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, पहला फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में बनाया गया था, फोर्ट विलियम ये नाम था कॉलेज का, ठीक है, विश्वविद्यालय था फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये सारी चीजें अंग्रेजों के द्वारा की जा रही हैं, ऐसा नहीं था कि पहले हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था, नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे यहाँ, पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार में, वहाँ पे था, तो ये काफी पहले था, ठीक है। बाद में बाहरी अकलताओं द्वारा नालंदा में आग लगवा के ध्वस्त कर दिया गया था उसको। लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनी शक्ति शुरू की, जैसे कि निर्दोष लोगों को फांसना और उन्हें एलिजा इम्पे के सामने अदालत में भेजना, जिन्होंने उन्हें अंजाम दिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनी शक्ति शुरू की, जैसे कि निर्दोष लोगों को फांसना और उन्हें एलिजा इम्पे के सामने अदालत में भेजना, ठीक है। अभी अदालत बना दी जाए और भारत के लोग पहले ही से ईमानदार रहे हैं, कोई गलती करेंगे ही नहीं, तो फिर जेल कैसे जाएंगे, जेल तो खाली बैठ जाएगी, तो जेल में भरने के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए जो जज साहिबा के सामने पेश हो कि भाई इसका जुर्म क्या है। नया नया अदालत खुला है, नया नया सुप्रीम कोर्ट खुला है, नई नई जज नियुक्त हुई है एलिजा इम्पे, तो कोई तो अपराधी चाहिए। तो ये क्या करता था, निर्दोष लोगों को फंसाता था, इसने ये किया, इसने ये किया है, ताकि एक अदालत वाला जुडिशियरी सिस्टम जो है इस्टेब्लिश हो सके। और जुडिशियरी सिस्टम किसके अंडर आ रहा था, ब्रिटेन के क्राउन के अंतर्गत आ रहा था। एलिजा इम्पे उस समय क्या थी, मुख्य न्यायाधीश थी इम्पे के सामने, ठीक है। समझौता अधिनियम 1781, अब ये समझौता किस चीज की हो रही है, रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों में संशोधन के लिए यह बिल लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था, तो 1773 में। और रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कमियों का, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका संशोधन के लिए एक बिल लाया गया, जो कि 1781 में समझौता अधिनियम के नाम से लाया गया। फिर
पिट्स ईस्ट इंडिया, ये भी एक्ट, ये भी आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार मार्क लगाओ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में 6 सदस्यों की बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियुक्त किया गया, जिसमें अध्यक्ष विलियम पिट यंगर, यंगर यानी यंग क्या होता है, जवान होता है ना, याद कर लो, जवान लोगों को इसका कंट्रोलर सदस्य भी बनाया गया और अध्यक्ष बनाया गया विलियम पिट यंगर को। पिट्स इंडिया एक्ट आता है क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस ईयर का है, तो 1784 का। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है, 1773 का। अब आओ नीचे, ब्रिटिश सरकार के मंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में और प्रशासन को अलग कर दिया, कंपनी और कंपनी के जो ट्रेडिंग थी, जो कंपनी बिजनेस कर रही थी, और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका भी अलग अलग हो गई। अभी हम लोग क्या है ना, कार्यपालिका, कार्यपालिका में क्या आता है, संसद आता है, और न्यायपालिका में क्या आता है, न्यायालय आ गया, राष्ट्रपति आ गया। संसद तीन चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, न्यायपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और कार्यपालिका में क्या आ गया, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें हम लोग अपने मंत्रियों का चुनाव करके भेजते हैं और वो लोग हमारे बातों को रखते हैं ताकि हमारा काम सहूलियत के साथ हो। हम लोगों को कोई चीज की आवश्यकता होती है, कोई बिल पारित करवाना है, कोई भी दंगे फसाद, कोई भी बातें होती हैं, सारी चीजें संसद में मंत्रियों के द्वारा आम जनता की बात पहुंचाई जाती है, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर एक्ट 1793। अधिनियम को क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, रूल कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। तो चार्टर एक्ट 1793 का है, जो कि 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए था ना, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल इकलौती कंपनी रहेगी जो ब्रिटेन के तरफ से इंडिया पे क्या करेगी, बिजनेस करेगी, और इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं होगी जो ब्रिटेन से इंडिया में आए और अपना बिजनेस करे। अब उसके क्या किया गया, वो 20 वर्षों के लिए रखा गया था ना, अब 20 वर्ष से भी बढ़ा दिया गया, यानी पहले भी 20 साल मिल गया था इन सबों को, और फिर क्या किया, प्लस कर दिया 20 साल और, कि लो अब तुम 20 साल और यहाँ पे काम करो, यानी कंपनी का काम अच्छा होगा। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देना शुरू किया गया। देखो वहां के लोग आकर यहाँ पे शासन कर रहे हैं, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके ब्रिटिश क्राउन को दे रहे हैं, और भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, भारत के राजाओं को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, भारत के राजाओं को कमजोर पाकर, ठीक है, मीर कासिम, मीर जाफर के द्वारा सिराजुद्दौला को धोखा दिलवाया जा रहा है ताकि अंग्रेजों को जीत मिल पाए। तो यहाँ के लोग मूर्ख थे ना कि धोखा दे रहे थे। तो देखो जहाँ लालच होता है कि हमको नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का, तो लो हम अपने राजा से ही धोखा दे देते हैं, सिराजुद्दौला को ही धोखा दे देते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था ना 1757 में, तो धोखे का नतीजा क्या निकला, आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहीं से यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करके यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स से ही क्या चल रहा है, ब्रिटिश अधिकारियों का राजस्व दिया जा रहा है। जिस तरह अभी आम जनता मेहनत करती है और आम जनता के टैक्स से क्या किया जाता है, सरकार के जो पॉलिटिशियन हैं उनको पैसा दिया जाता है, उनके तनख्वाह दिए जाते हैं, उनकी पेंशन, होम अलाउंस, जितनी फैसिलिटीज हैं आने जाने का, हेलीकॉप्टर में उड़ने का, हवाई जहाज से उड़ने का, ये सारी चीजें उनके तनख्वाह से थोड़ी आती है, उन लोगों का तनख्वाह तो लिमिटेड है, लेकिन ये सारी चीजें जनता के पैसे से होती हैं, जनता के टैक्स से होती हैं। बड़े बड़े कंपनियां जो हैं वो फंडिंग करते हैं बड़े हमारे सरकार को, तब न चलती है, नहीं तो देखो जितने बैनर, पोस्टर, जितना पब्लिसिटी होता है चुनाव के टाइम, जो कि अभी इलेक्शन आने वाला है, तो ये इलेक्शन पार्टी के बस का थोड़ी है। पार्टी का एक कर्मचारी 1,00,000 रुपये 80,000 रुपये अगर तनख्वाह पाता होगा तो उसके बस का है कि वो हेलीकॉप्टर में उड़ पाएगा। ये सारी चीजें जनता के कड़े मजदूरी के पैसे से, टैक्स से सारी चीजें चलती हैं। तो अभी भी वही चीज है। और देखो क्या हुआ, सारे बच्चों को
4 साल के लिए अब सेना में भी भर्ती किया गया, कोई पेंशन नहीं दिया जा रहा है बच्चों को, ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन मिलता है, लेकिन एक दिन भी अगर कोई पॉलिटिशियन काम कर रहा होगा, एक दिन के लिए भी कोई विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। तो देखो कितना बायसिंग है, और इसके खिलाफ बच्चे और युवा आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जिस तरह उस समय भी लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। उस समय भी बच्चे होंगे, पढ़ने वाले होंगे, युवा होंगे, जो कुछ काम रोजगार करना चाहते होंगे, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे ना। 1813 में चार्टर अधिनियम आया, दो अधिकारियों को छोड़कर कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार और चीन के साथ, ये दो व्यापार थे ना, दो अधिकारों को छोड़कर कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, यूपीएससी में आती हैं, ठीक है, कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार ये कब समाप्त किया, मतलब इसको रखा गया और बाकी एकाधिकारों को समाप्त कब कर दिया गया, तो 1813 में। तो ये याद रखना, ये यूपीएससी के लिए है, एसएससी वालों के लिए ऐसा क्वेश्चन अभी तो आया नहीं है, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है टफनेस बढ़ाए। भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये स्वीकृत किया गया, 1,00,000 रुपये। इंडियन एजुकेशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं विकास के लिए, कॉलेज खोलना, स्कूल खोलना, अध्यापकों को पैसा देना, बच्चों को छात्रवृत्ति वाली सुविधाएं, ये सारी चीज़ों के लिए 1,00,000 रुपये रखा गया, कि 1,00,000 रुपये हर साल प्रतिवर्ष शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया किया जाएगा। भारत में पहली बार EIC का मतलब समझते हो, ESI मिशनरियों का आगमन, ESI मिशनरियों का आगमन हुआ पहली बार, ठीक है। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हो रहा है, कंपनी का प्रशासन केंद्रीकृत किया गया, अब इसे सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जो कि पहले बंगाल का कुछ अलग था, सेंट्रलाइज किया जा रहा है, पहले बंगाल में कुछ हो रहा था, उधर केरल के साइड कुछ हो रहा है, अब क्या किया गया, सारे कंपनी को कहा गया, अलग अलग जगह पे जो कंपनियां उड़ीसा में ट्रेडिंग कर रही थी, वेस्ट बंगाल में कर रही थी, बिहार में, सबको कहा गया कब सबका एक जगह से गवर्न किया जाएगा, जैसे अभी अलग अलग जगहों पे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स क्या हैं, चीफ मिनिस्टर्स, अलग अलग हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को गवर्न करते हैं ना सेंट्रल केंद्र में, वैसे ही कंपनी का प्रशासन केंद्रीकृत किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, यानी जो गवर्नर कोलकाता 1911 में भारत की राजधानी से हटाकर नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया, कोलकाता थी राजधानी 1911 तक भारत की, तो कोलकाता को, जो कोलकाता का गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दिल्ली में क्यों नहीं ऐसा किया गया, क्योंकि दिल्ली में मुगल बादशाह थे सब, तो अगर दिल्ली को राजधानी बनाओगे तो मुगलों का परचम रहेगा भाई, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो दिल्ली को छोड़ दिया सब, ये सब कह सब कि जो कोलकाता का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। कोलकाता फ्रेश जगह था, वहां पे ये सब अपना काम कर सकते थे सब, दिल्ली में ऑलरेडी मुगलों के मुखबिर होंगे, मुगलों का, भले मुगल बादशाह कमजोर हो चुके थे आलमगीर, लेकिन फिर भी ये सब मुगल से दिल्ली में ना जाकर कोलकाता को बनाए सब, क्यों, क्योंकि कोलकाता के पास हुगली नदी थी पासी में, और हुगली से क्या करता था, व्यापार होता था, कोलकाता जो कि सी एरिया के पास है ना, तो वहां से व्यापार इजी था होना। भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, तो देखो जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेटिंग था, फर्स्ट इंडियन इंडियन पहला भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला है लेकिन बंगाल का क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल है, ये है लॉर्ड विलियम बेटिंग। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजी भारत की भाषा बन गई, राज्य भाषा,
मैकाले ने, देखो मैकाले की क्या है शिक्षा प्रणाली है, अभी भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं। जो बच्चे बीएड करने जाते होंगे वो बहुत अच्छे से मैकाले की शिक्षा पद्धति को जानते होंगे, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए शिक्षा पद्धति पे हम लोग क्या करते हैं चलते हैं। तो मैकाले के मिनट की सलाह पर भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजों का परिचय दिया गया। इस अधिनियम से पहले राजभाषा क्या थी, फारसी थी, अफगानी थे सब ना, मुगल बादशाह मुगल कहाँ के थे, अफगान से आए थे, और अफगान में क्या चलता था, फारसी भाषा चलती थी। इसीलिए पहले राजभाषा क्या थी, फारसी थी, बाद में इसे क्या किया गया, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा बना दिया गया भारत की। लेकिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। 47 में भारत आज़ाद हुआ है, उसके 2 साल बाद 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, और 26 जनवरी 1965, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 26 जनवरी 1965 से मनाया जाने लगा। 14 सितंबर को ना हिंदी दिवस है, ये 26 जनवरी 1965 क्या है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और जो कि 49 में सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। 47 में आज़ाद हुए हम लोग और 49 में 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। और हिंदी जो है आधिकारिक भाषा के रूप में प्रभाव में आई ये 1965 में। आधिकारिक का मतलब क्या, अब जैसे मान लो केरल है, केरल में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, तमिल में तेलुगु, तमिलनाडु साइड में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मलयालम भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, वेस्ट बंगाल में बंगाली चलता है। तो ये सारी भाषाओं में अधिकारी अगर काम करेंगे तो फिर अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, समझने में लैंग्वेज दिक्कत होगा। इसलिए कहा गया कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा 1965 में, कि अब सब जगह हिंदी बोलना प्राइमरी होगा। अगर आप हिंदी नहीं, हिंदी में बात नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है। उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम, तो ये 6 निदेशकों की मंडल थी, कंपनी से बर्खास्त, ठीक है। और क्या दे रहा है, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज लिखित परीक्षा लॉर्ड डलहौजी के व्यापगत का सिद्धांत में पेश किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत काम किए हैं, टेलीफोन तार और रेलवेज, मुंबई से ठाणे सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी, ले लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही चलाई गई थी मुंबई से ठाणे। 1853 में टेलीफोन आया था, तार की सुविधा हुई, टेलीफोन लाइन बिछाई गई, रेलवेज को बढ़िया किया गया, एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम किया, ठीक है, डाकघर बनाया, डाकखाना, ठीक है, 1854 में इसने बनाया। फिर विद्युत तार सेवा, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंचे, विद्युत सेवा, तार सेवा, ठीक है, तार। और क्या, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, इसकी स्थापना की, लोक निर्माण से कहते हैं ना पब्लिक। PWD के अंतर्गत क्या कहता है, नहर बनाना, नहर तो सिंचाई विभाग का काम हो गया ना, और रास्ते बनाना, पुल बनाना, सड़कें बनाना, ये सारी चीज़ें PWD के अंतर्गत आता है। घर बनाना, घर के लिए ICS की एग्जामिनेशन, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज पहले कहा जाता था, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आई 1853 में। तो डलहौजी बहुत अच्छा आदमी था, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी बहुत फेमस है। वो जिस राज्य में लगल बच्चा जो नहीं, लड़का नहीं होता था राजकुमार आगे शासन करने के लिए, तो लड़की होती थी तो क्या करता था, कह देता था कि अब अंग्रेज इस पे शासन करेंगे। 1853 से 1922 तक ICS की परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। जो भी इंडियन सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा जो होगी, देखो लिखित परीक्षा इंट्रोड्यूस किया है ना, वो लंदन में होगी, इंडिया में नहीं होगी, आप लंदन टिकट करा के जाइए, वहाँ पे होगी।
पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो। अब बढ़ो आगे, 1857 का अब विद्रोह आ गया। अब यहाँ के लोग परेशान हो गए, यहाँ के युवा परेशान हो गए अंग्रेजों के तानाशाही से। तब स्वतंत्रता संग्राम आ गया 1857 का, जो कि असफल रहा, ठीक है, किसी कारणवश असफल रहा। और बहादुर शाह जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगलों के सम्राट थे, मुगलों का पतन हो चुका था, मुगल खत्म हो चुके थे, जो बहादुर शाह जफर थे, इनको रंगून में कैद कर दिया गया। रंगून है ना, रंगून पर तो गाना भी है, तो रंगून में कैद कर दिया गया, रंगून के जेल में कैद कर दिया गया। ताज शासन की अधिकारी घोषणा, ठीक है, अब ताज शासन की अधिकारी घोषणा कर दी गई। अब क्लास पे आ गए 29th नंबर क्लास। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें बनाई कि अब तो मुगलों का पतन हो चुका है, 1857 की क्रांति के बाद मुगलों का भी पतन हो गया, वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का। तो अब अगला क्वेश्चन, अगला सेशन रहेगा सेशन नंबर 29। अभी तक हम लोगों ने दो सेशन कर लिए, अब एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे।